हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम बात करने वाले हैं चेयर बार्स के बारे में। अब आप लोग सबसे पहले समझेंगे कि चेयर बार्स क्या होती है। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो, हम जब ड्राफ्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ड्राफ्ट के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बॉटम में भी मैच लग रहा है हमारा और टॉप में भी मैच लग रहा है। यानी कि हम बॉटम में भी दोनों डायरेक्शन में बार्स को लगा रहे हैं और हम टॉप में भी दोनों डायरेक्शन में बार्स को लगा रहे हैं। और यहाँ पर हमारी जो चारों तरीके की बार्स हैं, उनका जो डायमीटर है वो 20 mm है। यानी कि अगर हम बात करें जो हमने टॉप में मैच लगाया, मैच यानी कि जब दोनों डायरेक्शन में आप इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जब बार्स को लगाते हो, तो वो आपका जो है वो मैच कहलाता है। तो हमने जब टॉप में सरिया का जब जाल बनाया और वहाँ पर जो डायमीटर ऑफ स्टील है वो आपका 20 mm है, तो उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उसको ऊपर से लगा रहे हैं, और जब हम उसको ऊपर से लगा रहे हैं और जो हमने उसको वर्टिकल पार्ट दिया है, वर्टिकल जो पोर्शन है, वो सिर्फ हमने 150 mm दिया है, वो पूरा नीचे तक नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसको ऊपर हवा में कैसे रोकेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको नीचे वाला जो मैश है और जो ऊपर वाला मैश है, उन दोनों के बीच में आपको सपोर्ट प्रोवाइड करनी रहेगी, जो कि आपकी कहलाती है चेयर। ठीक है, जो हम बार्स वहाँ पर यूज़ करेंगे, जिस शेप में हम बार्स को यूज़ करेंगे, वो हमारी बार्स कहलाती है चेयर बार्स। तो वही चेयर बार्स का कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करना है, क्योंकि हम इस केस में, इस राफ्ट फाउंडेशन के केस में, हम दोनों डायरेक्शन में और टॉप में बॉटम में मैश यहाँ पर लगा रहे हैं, सरिया लगा रहे हैं, और 20 mm डायमीटर की टॉप में भी लग रही है दोनों डायरेक्शन में, तो उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसको आपको रोकने के लिए आपको सपोर्ट देना पड़ेगा चेयर बार्स के थ्रू। तो चेयर बार्स का हम समझेंगे किस तरीके से शेप बनेगा हमारा, कैसे हम उसका कैलकुलेशन करना है, और फिर हम उसके नंबर्स कैसे काउंट करने हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से आपको चेयर बार दिखेगा। इस तरीके के शेप में जब हम बार को बनाएंगे बेंड करके, तो ये आपका जो है वो आपका चेयर बार कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली, ये इस तरीके से आपकी जो बार है वो आपकी कहलाती है चेयर बार। ये आप देख सकते हो, तो इसका ये जो दो पार्ट है वो आपके कहलाते हैं लेग। यानी कि जो बिल्कुल नीचे आएंगे, नीचे बॉटम वाले पार्ट पे आएंगे, वो आपके लेग कहलाएंगे। जो ऊपर आएगा वो आपका हेड कहलाएगा, और जो इसकी वर्टिकल पार्ट्स होंगे वो इसकी कहलाती है हाइट। तो इस तरीके से आपकी चेयर बार बनती है। अगर हम इसको बात करें कि साइड पर हमें कैसे दिखेगी ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली कि ये किस तरीके से आपको यहाँ पर चेयर बार जो है वो दिखती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि नीचे भी हमने बार्स को लगा रखा है, ऊपर भी बार्स लगा रखा है, बीच में जो आपका डिस्टेंस है यानी कि दोनों मैश के बीच का जो गैप है, उसको मेंटेन करने के लिए चेयर बार्स को यूज़ किया है। तो चेयर बार सपोर्ट भी कर रही है और जो बीच का जो गैप है उसको मेंटेन भी यहाँ पर करके रखेगी। तो ईजिली आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि चेयर बार जो है आपकी किस तरीके से यहाँ लगाई जा रही है। ठीक है, ईजिली आप इसको समझ सकते हो यहाँ से। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा शेप जो है वो किस तरीके से बन रहा है। तो आपकी जो चेयर है वो यहाँ से लगने स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये पार्ट जो है इसका वो बाहर से आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इस तरीके से ऊपर जाएगी। ठीक है, ये फिर ऐसे आ रही है, ये इस तरीके से ऐसे ये नीचे आएगी, और इसका जो लेग है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, यानी कि एक इधर को आएगा तो एक दूसरी साइड को जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे, अगर हम अगली की बात करें तो यहाँ पर आप समझ सकते हो इसको, ये नेक्स्ट चेयर जो लगा हुई है इससे आप समझोगे यहाँ पर, ये इस तरीके से, और इसके जो लेग हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि एक इधर मुड़ रहा है और एक इधर को मुड़ रहा है। तो इस तरीके से ये चेयर लगती है ताकि ये सपोर्ट बना करके रखे। आप एक साइड भी नहीं दे सकते हो, दोनों एक साइड दोगे तब भी उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये आपकी चेयर बार है जो कि आपके इसको मेंटेन यहाँ पर करके रखेगी, आपके जो गैप है दोनों मैश के बीच का, उसको आपको यहाँ पर बना के रख रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं ड्राइंग पे, और ड्राइंग पे आकर के हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर राफ्ट फाउंडेशन केस में टॉप मैश भी लगा रखा है, बॉटम भी लगा रखा है, तो यहाँ पर हम चेयर बार्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें चेयर बार्स के लिए आईएस कोड, तो आईएस कोड में कोई ऐसी बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको चेयर बार की नहीं मिलती है। आपको आईएस 456-2000 जो कि आपका कंक्रीट का प्रैक्टिस कोड है, वहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं चेयर की, जिसमें आपको बता रखा है कि आपको एक स्क्वायर मीटर में एक चेयर बार प्रोवाइड करनी है। अब वो एक स्क्वायर मीटर नहीं बता रखा है, उसने बता रखा है कि आप एक मीटर के बाद चेयर प्रोवाइड करेंगे। अगर हम दोनों डायरेक्शन में चेयर को प्रोवाइड करें, तो एक मीटर इस डायरेक्शन में आ गए, इस एक मीटर इस डायरेक्शन में आ गए, तो दोनों डायरेक्शन का जो डिस्टेंस है वो एक मीटर बन रहा है, यानी कि एक स्क्वायर मीटर वो बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो एक स्क्वायर मीटर में एक चेयर बार को हमें प्रोवाइड करना है। इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। बाकी डिटेल्स आपको ज़्यादा कुछ नहीं दे रखी है चेयर बार के बारे में, और उसमें बता रखा है कि जो भी डिटेल्स रहेंगी वो आपको ड्राॅइंग में मिलेंगी। तो यहाँ पर ड्राॅइंग में भी हमें डिटेल्स नहीं मिलती हैं, हमें कुछ नहीं बता रखा है चेयर बार के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मिनिमम डायमीटर जो हमारा चेयर बार का रिक्वायर्ड है वो 12 mm है।
तो 12 mm डायमीटर की बार को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे, और नंबर ऑफ पार्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम राफ्ट का जो हमारा एरिया है, जितने भी स्क्वायर मीटर का हमारा टोटल एरिया आएगा, उससे हम नंबर ऑफ बार्स हमें मिल जाएंगे। मान लीजिए आपका 10 स्क्वायर मीटर का एरिया है, तो 10 आपकी चेयर बार्स लगेंगी। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं शेप ऑफ चेयर बार। अब देखिए इसकी जो लेग है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, अलग अलग, यानी कि एक इस साइड आ रहा है तो एक दूसरी साइड जा रहा है। ठीक है, तो ये लेग कौन से हैं, यहाँ पर आप देखो ये जो बॉटम वाले पार्ट पे जो आएंगे इसके, वो आपके लेग कहलाते हैं, ये और ये, ये इसके दोनों लेग हैं, और ये इसकी हाइट है, यानी कि जो इसका वर्टिकल पोर्शन है उसको आप हाइट बोल सकते हो या डेप्थ बोल सकते हो इसको, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो उसका कहलाएगा हेड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेड। ये हमारा हेड, जो ये हमारा वर्टिकल है इसको हम बोलते हैं हाइट। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये हमारा कहलाएगा लेग, इसको हम लोग लेग बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हाइट, हेड एंड लेग। तो इसमें दो लेग हैं, दो हाइट है, और हेड जो है वो सिर्फ एक है। अब इसमें आप एक चीज़ समझो कि जब हम लेग को कैलकुलेट करेंगे तब हम क्या लेंगे, यहाँ पर हाइट को कैलकुलेट करेंगे तब क्या लेंगे, और हेड को कैलकुलेट करेंगे तब क्या लेंगे, और फिर सबको एक जगह ऐड करेंगे तब हम वहाँ पर बैंड लॉस का डिडक्शन करेंगे। तो लेग को जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी बॉटम में बार्स लग रही हैं, यानी कि इस तरीके से आपकी बार्स लग रही होंगी बॉटम में। ठीक है, इस तरीके से आपकी बार्स लगते हुए जा रही हैं। तो बॉटम में जब हम इसके लेग को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम दो स्पेसिंग कंसिडर करेंगे बॉटम वाले मैश की, बॉटम वाले मैश की जो स्पेसिंग होगी वहाँ पर हम दो स्पेसिंग लेंगे, उसमें प्लस 50 mm हम ऐड करेंगे, तो वो हमारा होगा लेग, लेग की डायमेंशन हमारी आएगी। इसी तरीके से जब हम हेड की बात कर रहे हैं तो हेड से भी हमारी जो है वो बार्स इस तरीके से जा रही होंगी, तो हेड में भी आपकी जो है दो स्पेसिंग कवर करेगा हेड। ठीक है, और दो स्पेसिंग के बाद इसमें दोनों साइड आपको 50-50 mm लेना रहेगा एक्स्ट्रा। और हाइट की जब हम बात करें तो यहाँ पर हमारी जो भी फाउंडेशन की डेप्थ है, यहाँ पर राफ्ट है, राफ्ट की जो डेप्थ है वो 800 mm है, तो वो लेना है आपको। अगर आपकी फुटिंग वगैरह हो गई, आपका पाइल कैप है, वहाँ पर आप ये चेयर बार यूज़ कर रहे हो, तो जहाँ भी डबल मैश यूज़ होता है वहाँ पर चेयर बार यूज़ होगी, तो फिर आप वहाँ पर जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है उसको कंसिडर करोगे और उसमें से कवर माइनस करोगे, नीचे वाली ऊपर वाली बार्स का डायमीटर भी आप चाहो तो माइनस कर सकते हो वहाँ पर। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से दो स्पेसिंग को कवर करता है और फिर प्लस 50 mm ये एक्स्ट्रा जाएगा। तो साइड पे थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो इसने आधी स्पेसिंग ये कवर की है, फिर पूरी स्पेसिंग कवर की है, फिर आधी स्पेसिंग आधी से थोड़ी सी कम कवर की है, यानी कि वो लगभग वही कर रहा है कि दो स्पेसिंग कवर कर रहा है, जो ऐसे बार्स लग रही हैं उनकी दो स्पेसिंग कवर कर रहा है और प्लस 50 mm जा रहा है। तो दो स्पेसिंग और प्लस 50 mm हो जाता है, और हेड में जो है, हेड में आपकी दो स्पेसिंग दोनों साइड 50-50 mm रहेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बॉटम जो हमारा मैश है, बॉटम मैश की जो हमारी स्पेसिंग है वो कितनी है, और टॉप मैश की हमारी स्पेसिंग कितनी है, क्योंकि दोनों की स्पेसिंग जो है राफ्ट फाउंडेशन के केस में अलग अलग है। यहाँ पर आप देखोगे आपकी जो स्पेसिंग है वो 150 mm है। बॉटम में जो हम मैश लगा रहे हैं, दोनों ही बार, दोनों जो डायरेक्शन में हम बार्स को लगा रहे हैं, वहाँ पर जो हमारी स्पेसिंग है वो 150 mm सेंटर टू सेंटर है। अगर हम टॉप की बात करें तो यहाँ पर जो स्पेसिंग है वो आपकी 200 mm सेंटर टू सेंटर है। तो हेड टॉप वाली स्पेसिंग से निकलेगा, और जो आपका लेग है, जो बॉटम वाला पार्ट है, वो बॉटम वाली स्पेसिंग से निकलेगा, और हाइट जो है वो डेप्थ से निकलेगी, और डेप्थ आपको दे रखी है 800 mm। तो ये सेक्शन लिफ्ट का है। ठीक है, तो लिफ्ट और राफ्ट दोनों जो है 800 mm डेप्थ की हैं, तो कटिंग लेंथ सभी की सेम आएगी, और नंबर ऑफ बार्स जो निकालेंगे वो हम एक साथ निकाल लेंगे, राफ्ट के लिए भी जो हमारी राफ्ट फाउंडेशन है, और लिफ्ट की जो राफ्ट है उसके लिए भी हम एक साथ यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट कर लेंगे, उसको हमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं एक्सेल फॉर्मेट पर, और हम वहाँ पर जा करके हम इसका शेप बनाएंगे और फिर इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए शेप यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना रखा है। अब शेप बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको आना है यहाँ पर इंसर्ट में, इंसर्ट में आकर के आप यहाँ पर आएंगे शेप्स में, और शेप्स में आकर के आप लाइन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप लाइन सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर दें लाइन, लाइन को जैसे ही ड्रॉ करेंगे आप, आपको बहुत हल्की सी लाइन दिखती है, आपको इसको डार्क करना है, तो यहाँ पर ये एरो पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ से इसको डार्क कर देना है। अब इसमें आपको शेडो अगर वगैरह मिलती है तो आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन मिल गई। अब बार बार आप शेप पे जाके लाइन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप इसको कॉपी करके और इसको जितनी बार चाहो पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जितनी भी आपको चाहिए, तो यहाँ से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको रख लिया। ठीक है, इसको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जितनी आपको
लेंथ वगैरह चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से शेप बना लोगे इसका, हम इसको छोटा बड़ा जैसे भी चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये शेप बन गया। तो आपको कोई भी अगर अलग तरीके का शेप बनाना है तो आपको लाइन सेलेक्ट करना है इंसर्ट में जा करके, और अगर शेप ही है वहाँ पर जैसे कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, तो वो भी आपको मिल जाते हैं, वहाँ से आप बना सकते हो। तो ये बन गया, अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हमने हटा दिया, तो ये हमने पहले से शेप बना रखा है। अब इसमें हम देखेंगे, अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे लेग, लेग यानी कि बॉटम वाला पार्ट। और बॉटम वाला पार्ट जब हमने निकाला है तो यहाँ पर हमने स्पेसिंग ली है 150, क्योंकि बॉटम जो मैश है उसकी जो स्पेसिंग आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है 150। इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पर हमने प्लस 50 mm एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ताकि दो स्पेसिंग को कवर करने के बाद थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा रहे, तो इसलिए हमने यहाँ पर दो स्पेसिंग और प्लस 50 mm यहाँ पर लिया है। तो हमें लेग मिल जाता है 350 mm का आपका लेग आ रहा है, तो लेग इस साइड का भी और जो दूसरी साइड लेग है दोनों आपके सेम रहेंगे 350 के। इसके बाद आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पर इसकी जो हाइट होगी, यानी कि जो राफ्ट फाउंडेशन की डेप्थ है वो हमने यहाँ पर ले ली 800 mm। इसमें से हमने 75 और 75 को माइनस कर दिया। 75 mm जो है वो आपका राफ्ट फाउंडेशन का कवर है, जो कि आपका टॉप और बॉटम से माइनस होगा। 800 mm डेप्थ ली, उसमें से टॉप बॉटम कवर माइनस किया। इसके बाद आपने बार्स का डायमीटर माइनस किया। अब यहाँ पर आपको चार बार 20, 20, 20 और 20 दिख रहा है, ये कैसे आया? तो बॉटम्स की हम बात करें, बॉटम बार्स की, तो बॉटम में हम जो मैश लगा रहे हैं हम दोनों डायरेक्शन में 20-20 mm डायमीटर की बार लगा रहे हैं, तो नीचे वाली दोनों बार्स का डायमीटर यानी कि 20-20, और जो हम टॉप में बार लगा रहे हैं उसमें भी हम दोनों डायरेक्शन में 20 mm की बार का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको 20 और 20 दोनों को माइनस कर देना है। तो ये आपको हाइट मिल जाती है जो कि आपकी आ रही है 570 mm। 570 दूसरी साइड भी सेम रहेगा। दो आपकी लेग है, दो आपकी हाइट है, तो आपकी दोनों सेम है ये, और हेड जो है आपका वो सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 200 × 2, यानी कि अब हमने जो हमारा टॉप मैश है यानी कि जो हम टॉप में बार्स लगा रहे हैं राफ्ट फाउंडेशन में, उसकी जो स्पेसिंग है 200 mm, उसको हमने कंसिडर किया मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि दो स्पेसिंग आपको लेना है और दोनों साइड आपको 50-50 mm एक्स्ट्रा लेना है। तो हेड जो है वो आपके लेग से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये मिल गई। अब तीनों पार्ट की आपको डायमेंशन मिल गई, लेग की भी, हाइट की भी और हेड की भी। इन सभी को ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं चेयर बार 1 नंबर इन 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि एक जो चेयर बार लगेगी वो 1 स्क्वायर मीटर में 1 चेयर बार आएगी, तो जितने स्क्वायर मीटर एरिया होगा उतनी आपकी चेयर बार्स लगेंगी। नंबर्स हम बाद में निकालेंगे, हम यहाँ पर डायमीटर दिखा दिया हमने 12 mm डायमीटर का हम चेयर बार लगा रहे हैं। और कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिया सबसे पहले C113 को। C113 आपका क्या है, ये आपका C113, यानी कि हमने पहले हेड ले लिया। तो हेड जो है हमारा वो सिर्फ एक ही है, हेड एक ही है, लेग दो हैं और आपकी हाइट दो है। तो यहाँ पर हमने C113 लिया, फिर C116 यहाँ पर हमने कंसिडर किया, यानी कि C116 आपका कौन सा है, ये आपने लिया 570। फिर आपने 115 लिया, यानी कि आपका C115 और C116 दोनों सेम चीज़ है यहाँ पर, ये भी 570 है, ये भी 570 है। फिर हमने C118 और C118, यानी कि हमने ये 350 लिया। और लास्ट में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने बैंड लॉस माइनस किया। बैंड लॉस माइनस किया हमने, यानी कि हमने देखा यहाँ पर कि जब हम इस तरीके की शेप को बना रहे हैं तो यहाँ पर हम चार जगह बैंड दे रहे हैं 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का चार जगह बैंड आएगा। तो एक 90 डिग्री के बैंड के लिए आप 2D, ठीक है, 2 × डायमीटर ऑफ बार को डिडक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपके चार हो रहे हैं, तो 2D × 4 आप करेंगे तो ये आपका 8D हो जाएगा। 8 × डायमीटर ऑफ बार, डायमीटर को आपने सेलेक्ट कर दिया, उसमें से टोटल में से आपने माइनस किया, तो यहाँ पर आपको कटिंग लेंथ मिल जाती है 2244। तो चार जगह आप बार को बेंड कर रहे हो तो इसलिए आप 8D को माइनस करोगे। वो चार जगह कौन सी है, एक आपका ये है 90 डिग्री, एक यहाँ पर आपका 90 डिग्री, एक यहाँ पर 90 डिग्री और एक 90 डिग्री यहाँ पर। चार जगह आप बार को बैंड कर रहे हो तो आप 8D को यहाँ पर माइनस करोगे। ठीक है, तो 8D को हमने यहाँ माइनस कर दिया, तो ये हमें कटिंग लेंथ मिल जाती है 2244। ठीक है, 2244 ये आपकी कटिंग लेंथ आ रही है इसकी। इसके बाद हम कटिंग लेंथ को चेंज कर देंगे यहाँ पर मीटर में, तो ये हमने इसको सेलेक्ट किया, डिवाइड बाई 1000 किया, यहाँ पर आपकी मीटर में चेंज हो गई। इसके बाद टोटल कटिंग लेंथ की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो अब हमें पहले नंबर ऑफ बार्स निकालने पड़ेंगे कि हमारी नंबर ऑफ चेयर बार्स कितने हैं, कितनी हमारी बार्स लग रही हैं। तो इसको हमने निकाला है 523। 523 नंबर कैसे आ रहे हैं वो आप समझो। अब हम जाएंगे फिर से मेजरमेंट शीट में, मेजरमेंट शीट में आएंगे और यहाँ पर आकर के हम आ जाएंगे राफ्ट वाले पार्ट पे। ठीक है,
जो हमने कंक्रीट निकाला है, क्योंकि कंक्रीट में हमने एक्चुअल जो डायमेंशन है राफ्ट फाउंडेशन की उसको कंसिडर किया है। आप एक्सकेवेशन में नहीं जाओगे क्योंकि वहाँ पर आपने 600 mm एक्सल ले रखा है वर्किंग स्पेस का। पीसीसी में नहीं जाओगे, पीसीसी में आपने प्रोजेक्शन ले रखा है 150 mm का। आप जाओगे राफ्ट में, जहाँ पर राफ्ट का कॉन्क्रीट आपने निकाला है, तो वहाँ पर आपने एक्चुअल डायमेंशन को मेजर किया है। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं RCC फॉर राफ्ट M25 ग्रेड, जो हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे चार पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था अलग अलग, तो चार पार्ट की हमने लेंथ अलग निकाली थी और ब्रेथ अलग निकाली थी। तो इनका हम क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं साइड में आकर रफ कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो आप देखो, आप सबसे पहले लेंथ को सेलेक्ट करो और मल्टीप्लाई कर दो ब्रेथ को, ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करोगे आप पार्ट वन की, तो आपको पार्ट वन का एरिया मिल जाता है, जो कि आपका आ रहा है 306 square meters। अब अगर आप इसको यहाँ पर ड्रैग कर दो, तो ड्रैग आप इसको 4 तक कर दो, ठीक है, तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का एरिया मिल जाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप इसको खोलोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये आपको पार्ट 2 जो है आपका, उसकी लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर हम तीसरे वाले को यहाँ पर ओपन करें तो ये आपकी पार्ट 3 जो है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दे रहा है पार्ट 3 वाली डायमेंशन को। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारी पार्ट 4 की डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके दे रहा है। तो ये हमारा एरिया आ जाता है चारों पार्ट का। इसको हम एक जगह ऑटो सम कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिलता है 520 आपका स्क्वायर मीटर, यहाँ पर आपका टोटल राफ्ट का एरिया है। और इसमें हम अगर प्लस वन लेकर भी चले चार पार्ट में, ठीक है, तो ये आपका 520 आ रहा है। अगर आप इसमें तीन या चार लेकर के चलो तो आप दो तीन आप मार्जिन ले सकते हो, इतने बड़े एरिया में दो तीन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो 520 की जगह 523-524 आप ले सकते हो, वही हमने किया है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, तो 520 हमारा जो है वो एक्चुअल आ रहा है, और हम यहाँ पर हमने ले रखा है 523। तो इसको आप 523 भी ले सकते हो, 24 भी ले सकते हो, एक दो जो है वो मार्जिन के तौर पे एक्स्ट्रा लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप मान लो कि आपके चार पार्ट है तो इसको आप 524 कर दो, आपने हर एक पार्ट में एक एक्स्ट्रा ले लिया, 524 कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप टोटल कटिंग लेंथ निकाल सकते हो, 524 को आपने सेलेक्ट किया और कटिंग लेंथ जो आपकी आ रही है उसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है टोटल कटिंग लेंथ 1175 meters, 1175 meters आपकी टोटल कटिंग लेंथ है चेयर की। और यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो वेट है, तो हम 12 डाई की बार्स को यूज़ कर रहे हैं, तो 12 डाई में जा करके हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने टोटल कटिंग लेंथ को सेलेक्ट किया है, मल्टीप्लाई बाई इसको यूनिट वेट कर दिया, तो यहाँ पर हमें वेट मिल जाता है 1044 kg आपका, इतना चेयर बार में स्टील लग रहा है, इतना वेट यहाँ पर लग रहा है चेयर बार का। 520 स्क्वायर मीटर का टोटल राफ्ट का एरिया, चार पार्ट के लिए एक एक और ऐड कर दिया, 524 हो गया। 520 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 524 यहाँ पर हमारी चेयर लग रही है। एक चेयर की जो कटिंग लेंथ है 2 meters है, 2.24 meters है, टोटल कटिंग लेंथ 1175 meters आती है, और इसका जो वेट आता है वो आपका आता है 1044 kg। तो इस तरीके से आप चेयर बार्स के लिए कभी भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आई होप बहुत अच्छे से यहाँ पर ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।